सबसे पहले दोस्तों मैं इन तीनों स्मार्टफोनों की हाईलाइट फीचर्स बता देता हूँ। सुपर एमोलेड प्लस कर्व डिस्प्ले ऑफर किया गया है, साथ ही 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड इनमें आपको काफ़ी तगड़ा लाइक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आप हार्ड वर्किंग में लाइक कोई भी काम कर सकते हैं या फिर अल्ट्रा एचडी में गेमिंग कर सकते हैं। और साथ ही इनमें दोस्तों आपको टॉप नॉच लेवल के कैमरा सेटअप के साथ 5000 mAh तक की बैटरी, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी जाएगी 100 वॉट की। विदाउट टाइम वेस्ट किए इन तीनों स्मार्टफोनों के बारे में बता देता हूँ। प्राइस के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 के देखने को मिल जाएंगे, 30,000 के प्राइस पॉइंट पर। इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है दोस्तों लाइक वीवो V27 Pro। ये स्मार्टफोन 30,000 के अंदर आता है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोनों के अंदर आपको प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलेगी, ओवरऑल कर्व डिस्प्ले के साथ इन हैंडफील्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। वीवो V27 में आपको काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले पैनल के बारे में बात करें, AMOLED 6.78 inches का डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसमें 1 billion कलर्स की सपोर्ट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट दी गई है। इसमें आपको चिपसेट देखने को मिलेगा ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200, जो कि 4 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट 13 पर बेस्ड है और ये स्मार्टफोन फनटस 13 पर रन करता है। 8GB RAM 128GB का बेस वेरिएंट है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन प्राइमरी कैमरा आपको 50 MP का देखने को मिलेगा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड 4K 30fps प्लस 60fps में आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा विद डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ, और साथ ही लाइक फ्रंट कैमरे से भी आप सेम रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30fps प्लस 60fps लाइक वीडियो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, इसमें OTG सपोर्ट देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4600 mAh की बैटरी है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। इसमें आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे, जो कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा कलर भी चूज कर सकते हैं। 6,15,000 के अराउंड स्मार्टफोन का अंतत स्कोर जाता है। एंड बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो कलर चेंजिंग बैक पैनल देखने को मिलता है बैक में, जो कि आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा ग्लास का, साथ ही आपको फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। एंड 180 ग्राम का वेट है स्मार्टफोन के अंदर, 7.4 mm की थिकनेस दी गई है। तो आप वीवो V27 को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इनहैंड फील देखता है, और साथ ही दोस्तों इसमें आपको फीचर भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्मार्टफोन रहता है रियलमी की तरफ से 11 Pro Plus। मार्केट में इस स्मार्टफोन को भी काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है बिकॉज प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको काफ़ी अच्छे लाइक फीचर दिए जाते हैं, साथ ही प्रीमियम डिज़ाइन दी गई और टॉप लेटेस्ट मॉडल है रियलमी की तरफ से 11 Pro Plus। स्पेक्स क्या दिए गए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों इसके सबसे पहले प्राइस के बारे में बता दूँ तो आपको 27 से 28 हज़ार में इसका टॉप वेरियंट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको AMOLED 6.7 inches का कर्व डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, 1 billion कलर्स की सपोर्ट है, डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ की सपोर्ट है, 950 nits की पीक ब्राइटनेस है, ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला 7050 प्रोसेसर दिया गया है, 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट 13 पर भेजा और रियलमी UI 4.0 पर ये स्मार्टफोन रन करता है। 8GB RAM 128GB का आपको लाइक वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा और 8GB RAM 256GB का भी आपको वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको टॉप वेरिएंट देखने को मिलता है 12GB RAM और 1TB स्टोरेज, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनमें आपको लाइक रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन प्राइमरी कैमरा आपको 200 MP का दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप कैमरा है दोस्तों। इसमें आपको फ्रंट में लाइक 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। 3 प्रीमियम कलर स्कीम, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से कोई सी भी कलर स्कीम चूज कर सकते हैं। 5,60,000 के अराउंड स्मार्टफोन का अंतत स्कोर जाता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक के दिए गए हैं, लेकिन बैक में आपको जो प्लास्टिक की लाइक बैक दी गई है उस पर आपको लेदर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको एग्जैक्ट लेदर पर देखने को मिलती है, वो सेम फिनिशिंग आपको प्लास्टिक में देखने को मिलती है। 183 ग्राम का वेट है स्मार्टफोन के अंदर और 8.2 mm की थिकनेस है। कर्व डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा इनहैंड फील प्रीमियम देखने को मिलेगी रियलमी की ब्रांडिंग के साथ, तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन रहता है दोस्तों Nothing Phone 1। ये भी 30,000 के अंदर आता है। Nothing Phone 2 भी आ चुका है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसकी वजह से आप लाइक Nothing Phone 1 की तरफ भी जा सकते हैं। क्या क्या फीचर दिए गए स्टेप बाई स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको OLED 6.55 inches का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जिसमें 1 billion कलर्स की सपोर्ट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ की सपोर्ट भी है डिस्प्ले में, 1200 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है और साथ ही प्रोटेक्शन आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिलती है। AOD फंक्शन भी आपको लाइक देखने को मिलता है डिस्प्ले में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है स्मार्टफोन के अंदर। एंड इसमें आपको लाइक चिपसेट देखने को मिलता है ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला 778G+5G, साथ ही 6 नैनोमीटर के साथ आता है और ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको 12 पर देखने को मिलेगा एंड्रॉइड एंड अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है,
जो कि बहुत जल्द आपको अपडेट भी देखने को मिल जाती है। और ये स्मार्टफोन रन करता है नथिंग के OS 1.5.3 पर, जो कि काफ़ी यूनिक टाइप का आपको यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन का। टॉप वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 12GB रैम 256GB का, UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है, एंड बेस वेरिएंट देखने को मिलता है 8GB रैम 128GB का। रियर पार्ट में डुअल कैमरा सेटअप है, 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरा है, मेन प्राइमरी भी 50 मेगापिक्सल का है, और 50 मेगापिक्सल का सेकंड आपको देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड, जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ ऑफर किया गया है। 4K 30fps में रियर कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट से आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और OTG सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4500mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी, 15W की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, और 5W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। व्हाइट एंड ब्लैक ये दो प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलती है। स्मार्टफोन का अंतुतु स्कोर जाता है 6 लाख के अराउंड। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन बैक में भी देखने को मिलेगी, बिकॉज बैक पैनल जो है वो ग्लास का है, एंड डिस्प्ले में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की दी गई है, और इस स्मार्टफोन के बैक में आपको मल्टीपल LED लाइट्स दी गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है नोटिफिकेशन के टाइम पर। साथ ही आपको कैमरा यूज़ करने पर और साथ ही चार्जिंग प्रोग्रेस पर ये स्मार्टफोन की ब्लिंक जो LED लाइट है बैक में, वो ब्लिंक करते हुए देखने को मिलेंगी, जो कि अदर फोनों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अदर यूनिक फीचर है ये। 193.5 ग्राम का वेट है, 8.3mm की थिकनेस है, लाइट वेट कॉम्पैक्ट और स्लिम है। साथ ही बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलती है, नो डाउट डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 30,000 के अंदर आता है, 30,000 रुपये में दोस्तों आपके लिए वीवो V27 नॉट अ प्रो। दोस्तों अगर मुझसे प्रो कह दिया गया हो गलती से तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीवो V27 की बात कर रहा हूँ, जो कि अंडर 30,000 के आता है। ओके, रियलमी 11 प्रो प्लस आपको अंडर 30,000 के देखने को मिल जाएगा। नथिंग फोन बन को कंसिडर कर सकते हैं, ये भी आपको 30,000 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों तीनों स्मार्टफोन ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, फीचर्स के बेसिस पर और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर वैल्यू फॉर मनी है। आपकी इनमें से जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली बार एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।